जोशीमठ के 55 परिवारों का रेस्क्यू। सीएम धामी के सामने बिलक कर रोए लोग। महिलाएं बोली, आंखों के सामने हमारी दुनिया उजड़ रही। जोशीमठ धंस रहा है। शहर के मकानों में दरारें आ रही हैं। लोगों के सामने उनका घर संसार बचाने की चेतावनी है। यहाँ के लोगों का दर्द उस समय सामने आया जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुँचे। लोग उनके सामने बिलक कर रोने लगे। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। वे बोली, हमारी आंखों के सामने ही हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लीजिए। हमें अपने घरों में रहने में डर लग रहा है। मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द बयां करने के लिए इतने लोग बेकाबू हो रहे थे कि सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्हें संभालना भी मुश्किल हो रहा था। सीएम धामी ने प्रभावितों से कहा, उत्तराखंड सरकार हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। धामी ने जोशीमठ में डेंजर जोन वाले इलाकों में बने मकानों को तुरंत खाली कराने को कहा। इधर चमोली जिला प्रशासन ने बताया, जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आई हैं। 55 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। उन्होंने कहा, पिछले एक साल में जमीन धसने से संकेत मिल रहे थे, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर जोशीमठ खतरे में है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।